कांग्रेस के नेताओं पर ईडी की रेड हो रही है, किस तरह देखते हैं आप इस रेड को? देखो, कांग्रेस कई साल शासन रही है और जो ये केस, चाहे वो कांग्रेस के पॉलिटिशियंस हो या कोई और हो, तो कई सालों पहले ये केस दर्ज हो चुके थे। धीरे धीरे ईडी का काम होता है, तो सिर्फ कांग्रेसियों के ऊपर भी नहीं, जिन्होंने गलत काम किया है अपना ईडी उनके प्रति काम कर रही है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल को जेल के अंदर मारने की कोशिश की जा रही है, साजिशें की जा रही है, क्या कहेंगे? पता नहीं क्यों ये कह रहे हैं, सहानुभूति लेने के लिए कह रहे होंगे, क्योंकि वो हरियाणा के अंदर इलेक्शन के अंदर अपनी पार्टी को उतारना चाहते हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से इस तरह की कोई हरकत नहीं हुई, ये मैं कह सकता हूँ। कांग्रेस लगातार सड़क पर उतर कर 10 साल का हिसाब मांगे, दीपेंद्र हुड्डा आज आपके हलके में है, किस तरह देखते हैं आप इसके हिसाब वाले? अब 6 महीने रह गए, 6 अक्टूबर के अंदर हरियाणा के अंदर चुनाव आ रहे हैं, जो लोग 10 साल से अपोजिशन के अंदर बैठे हैं वो तो प्रयास तो करेंगे ही, हर एक पार्टी का मतलब ये होता है कि हम सत्तासीन हो जाएं, तो वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा में चुनाव है तो किस तरह की तैयारी है सर? भारतीय जनता पार्टी की तो 12 मास 6 महीने में नहीं, 12 मास तैयारी रहती है, नए चेहरों को कहीं ना कहीं जगह मिलेगी टिकटों में, ये तो पार्टी फैसला करेगी, लेकिन मेरी ये सिफारिश है कि नए चेहरों को इस बार टिकट देना चाहिए। 60% लोग हरियाणा के अंदर ही क्या देश के अंदर 35-40 साल से घाट उम्र के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।